अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, दिस इज़ एना और मैं बना रही हूँ वेरी क्विक पीटा ब्रेड सैंडविचेज़। उसके लिए मैंने लिया है 2 टेबलस्पून ऑयल और चिकन का कीमा। उसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून मैंने डाल दी इसमें चिली फ्लेक्स, 1/2 टीस्पून है जी मेरे पास वाइट पेपर पाउडर और 1 टीस्पून है ब्लैक पेपर। इसको करेंगे क्विक स्टर और मैंने डाल दिया है 1 टीस्पून वाइट विनेगर का, 1 टीस्पून है मेरे पास सोया सॉस का और इसको कर लेंगे मिक्स। वेजिटेबल्स में मैंने लिया है कैप्सिकम और स्प्रिंग अनियन। आप अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं जो आपके बच्चे पसंद करते हैं। इसका पानी खुश्क कर लेंगे और दैट्स इट। अब जी पिटा ब्रेड लिया, उसके ऊपर रेड सॉस लगाई है। आप अपनी मर्ज़ी की सॉस लगा दें, पिज़्ज़ा सॉस या पास्ता सॉस या कोई भी रेड सॉस, और जी फिलिंग लगा लें। अच्छा, फिलिंग लगा के मैंने लगा दी है इस पर चीज़ स्लाइसिस। आपके पास मोज़रेला चीज़ है तो वो लगा लें, चेडर चीज़ है तो वो लगा लें, चीज़ स्लाइस है तो वो लगा लें। बच्चों को भूख लग जाती है तो घर में जो भी चीज़ें अवेलेबल हो उनके साथ कोई ना कोई नई डिश ईजाद हो जाती है। ओवन में भी बेक कर सकते हैं इसको, मैंने कर दिया। इसको तवे पर टोस्ट, दोनों साइड से टोस्ट हो जाएगा, बाहर से हल्की सी क्रिस्पी लेयर और अंदर से सॉफ्ट बनेगा। बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। बाहर की चीज़ों से बेटर है कि बच्चों को घर के ही बने हुए स्नैक्स दिए जाएँ, वो हेल्दी रहते हैं और हाइजीनिक भी। अच्छा जी, मेरे पास बन रही थी असल में किचन में निहारी, उसकी रेसिपी मैं बहुत जल्द पोस्ट करूँगी। तो बच्चों को भूख लग गई और जो निहारी की खुशबू है वो उनसे बर्दाश्त नहीं की जा रही थी, तो मैंने उनको क्विक सैंडविचेस बना दिए। आप सैंडविचेस की रेसिपी इंजॉय कीजिए, मैं निहारी देख लेती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।